हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनसी के बाद हमको प्रेगनेंसी प्लान कब करना चाहिए, क्या सही समय होता है प्रेगनेंसी प्लान करने का, और कब प्रेगनेंसी संभव है, यानी कि डीएनसी के बाद प्रेगनेंसी कब होती है। जी हाँ, बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, क्योंकि कई सारी लेडीज़ों का ये क्वेश्चन होता है कि उसके बाद प्रेगनेंसी कब लग सकती है, चांसेस कब रहते हैं और कब प्लान करना सही रहता है लेडीज़ के लिए डीएनसी के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले, जिससे कि आपको पूरा जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि डीएनसी के बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान कब करना चाहिए, यानी कि फैमिली प्लानिंग कब करनी चाहिए, और या फिर इसके अलावा जो और भी लेडीजों का सवाल होता है कि डीएनसी के बाद क्या सही समय होता है प्रेगनेंसी प्लान करने का, यानी कि बच्चा कब लगने के चांसेस होते हैं। डीएनसी के बाद जैसे कि आपका जो पीरियड है वो 6 वीक में, यानी कि 1.5 महीने में आ जाता है, यानी कि आपका ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद आपका पीरियड आ जाता है 1.5 महीने में, यानी कि 6 वीक में आ जाता है। तो उस टाइम पे भी, यानी कि फर्स्ट ओव्यूलेशन पे भी आप जो है रिलेशन बना सकते हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद क्या सही समय होता है फैमिली प्लानिंग का, यानी कि बच्चा करने का, इसकी बात अगर हम करें तो अगर लेडीज़ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि खून की कमी नहीं है, सही है खून, और कोई भी फिजिकली मेंटली रूप से भी वो फिट है, कोई भी बीमारी उसको नहीं है, तो 1.5 महीने बाद आराम से वो प्लान कर सकती है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, लाइक कोई भी उनको बीमारी है या फिर खून की कमी है, तो पहले आपको खुद को फिट करना होगा, खुद ट्रीटमेंट लेना होगा, यानी कि खून की कमी है तो उसको पूरा करिए। कई लेडीज़ों को क्या होता है कि जो है खून ऑलरेडी कम होता है डीएनसी में, थोड़ा बहुत उसमें भी ब्लड लॉस हो जाता है, तो इस वजह से कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, तो थोड़ा वो और रेस्ट उनकी बॉडी चाहती है। तो इस केस में अपनी डाइट को अच्छा रखिए और ट्रीटमेंट लीजिए, अगर कोई भी डिजीज़ आपको है, कोई भी बीमारी अगर आपको है, तो उसके बाद ही आप जब फिट हो जाएंगे उसके बाद ही प्लान करें। अगर आप मेडिकली रूप से फिट हैं तो आप 1.5 महीने बाद भी जो है फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं। 6 वीक में आपका पीरियड जो है आ जाता है, उसके बाद आप जो है डीएनसी के बाद फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपके लिए वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें फॉलो करके रखिए, वहाँ पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके लिंक हमें फॉलो करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।